करें तो जबरदस्त बारिश और लैंडस्लाइड की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। उत्तराखंड की खटीमा की बात करें तो ये पूरा का पूरा एरिया पानी में डूब चुका है और हालात ऐसे हो चले कि लोग अपने घरों की छतों पर शरण लेने को मजबूर है। खटीमा में कैसे जल प्रलय इस वक्त तबाही मचा रहा है, आपको दिखा देते हैं इस रिपोर्ट में। ये तस्वीर एक टोल प्लाजा की है, आप सड़क का हाल देख लीजिए। सड़क पर कई फीट तक पानी जमा है और पानी के बीच गाड़ियों की आवाजाही हो रही है। सड़क समंदर में बदल चुकी है और पानी की लहरें उठ रही हैं। तभी तीन लोग पानी की तेज धार में फंसे हुए नजर आते हैं। पूरा इलाका बाढ़ की चपेट में है। गाड़ी टोल प्लाजा के करीब पहुंचती है और टोल को पार करती है। आप टोल प्लाजा के हालात पर एक नजर डालिए। टोल प्लाजा के दूसरी तरफ तो पानी की रफ्तार खौफनाक है। छोटी गाड़ियां तो पानी के इस बहाव में बह जाएंगी। सड़क का नामो निशान नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कार सड़क पर नहीं समंदर में चल रही हो। यह तस्वीर उत्तराखंड के खटीमा टोल प्लाजा की है। अब आपको खटीमा शहर का हाल दिखाते हैं। ये शहर है या दरिया कह पाना मुश्किल है। बेबस लोग आपको पानी के तेज धार से गुजरते हुए दिखाई देंगे। लगातार बारिश के बाद खटीमा शहर में बाढ़ आ गई है। ये खटीमा शहर के गौशाला की तस्वीर है, जहां आपको गौशाला की दीवारों के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। सब कुछ पानी में समा चुका है। लगातार तीन दिनों से हो रही बारिश के बाद खटीमा शहर में बाढ़ आ गई। लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। पानी बढ़ने की वजह से कई इलाकों में लोगों ने अपने घर की छत पर शरण ले रखी है।